तो फ्रेंड्स फाइनली वो खूबसूरत घड़ी आ चुकी है जिस पल का इंतज़ार आप बेसब्री से कर रहे थे। जी हाँ, आज प्रकृति सिंह करवाने वाली है अपने ब्यूटीफुल घर का होम टूर। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि आज मेरे घर का होम टूर होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं होम टूर हमारे घर का। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं नहीं दिखूंगा, अब जो भी बोलेगी प्रकृति सिंह होगी और मैं जाऊंगा बिहाइंड द कैमरा। तो मेनली अभी प्रकृति सिंह आ जाएगी, तो अब लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं बाहर के एरिया से। ये है हमारा गार्डन का एरिया जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पे अभी जो है एक काम अभी जारी है, मतलब इन प्रोग्रेस है। घास सभी लग रही है, तो जो प्लांट्स है प्लांट्स को तो टाइम लगता है, तो आप देख सकते हैं अभी टाइम लगेगा गार्डन के एरिया को पूरा फुली डेवलप होने के लिए। बाकी बेसिक जो उसका आउटलाइन है वो तो बना दी गई है। तो अब चलते हैं घर की ओर, लॉन के एरिया से घर की ओर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये तुलसी के प्लांट्स हैं, यहाँ से लेके ये सारे तुलसी हैं। तो एक्चुअली हमारा घर यहाँ पे पुराना वाला होता था, तो उसके साथ में ये तुलसी का एक गार्डन जैसा बन गया था। यहाँ मतलब थोड़ी सी तुलसी के बीज गिरा था किसी टाइम पे, और तो वो फूलता गया फलता गया और पूरा का पूरा एक छोटी सी क्यारी बोल सकते हैं वो पूरी जो है तुलसी से भर गई थी। तो ये अभी तक यहाँ पर है, हमने गार्डन जो है ये रिक्रिएट भी किया, पर फिर भी तुलसी खुद ही निकलती रहती है। तो अब दिखाती हूँ आपको हमारे घर का एक्सटीरियर। ये जो है वुडन वर्क पे है, तो छज्जा भी वुड से बना है, और जो ये दरवाज़ा डोर से लेके विंडो से लेके सब कुछ जो है वुडन है। जो भी आपको वुडन की तरह दिख रहा है वो सब वुडन ही है एक्चुअली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वुडन वर्क और साथ में स्टोन वर्क जो है, ये बीच में जो एक वुडन लेयर है, तो ये जो है ये ट्रेडिशनल काठपुड़ी स्टाइल से बनाया गया है जो हमारे हिमालयन ट्रेडिशनल होता है। तो उसमें ये जो होता है ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट और जो भी नेचुरल डिजास्टर रेजिस्टेंट स्टाइल होता है, तो उसी स्टाइल में ये घर बनाया गया है। आप वैसे देखेंगे कि कुल्लू में मैक्सिमम घर जो है इस स्टाइल में बनाए जाते हैं। ये हमारे यहाँ का एक मतलब ट्रेडमार्क है हमारे कुल्लू का कि बस ये स्टाइल होना ही चाहिए घर में। अगर ये स्टाइल नहीं होता है तो घर का को इतना अच्छा इतना सुंदर नहीं मानते हम। तो ये जो आप स्टोन्स देख रहे हैं, पत्थर की दीवार देख रहे हैं, ये कोई टाइल से बनाई गई नहीं है, ये प्योर पत्थर है। ये पत्थर जो है ये गड़सा स्टोन्स बोलते हैं, तो ये मतलब गड़सा एक जगह है तो वहाँ से लाए गए हैं ये स्टोन्स। तो ये जो दीवार जो देख रहे हैं ये दीवार प्योर इन्हीं पत्थरों की बने, मतलब इसमें एक भी ईंट नहीं यूज़ की गई है। तो ये जितने एक फुट की दीवार है चौड़ाई की, तो वो प्योर जो है पत्थर की ही बनी है, इसी पत्थर की। तो चलिए घर के अंदर एंटर करते हैं, उससे पहले दिखाते हूँ घर का एंट्री डोर। जो आप देख रहे हैं ये कार्विंग जो है ये पूरी हैंड कार्विंग है, और ये हैंड कार्विंग जो की है ये की है लखनऊ से आने वाले जो क्राफ्ट्समैन होते हैं उन्होंने, तो ये सारी हैंड कार्विंग की गई है। और एक और ख़ास बात, जो वो क्राफ्ट्समैन था वो उसकी एज बताऊं मैं आपको, तो वो 80 की एज का था, तो उसे ये कार्विंग का काम बहुत पसंद था, तो उसने कहा मैं ये सब कुछ खुद हाथ से बना के दूँगी, तो ये सारा उसने खुद बनाया है। तो इसमें जो ये लकड़ी यूज़ की गई है वुड वर्क जो भी है, ये सारा जो लकड़ी है वो है दियार की, देवदार जिसे कहते हैं हिंदी में। तो ये देवदार का पेड़ जो है ये हमारे हिमालयन रीजन्स में बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ आपको दिखाते हैं घर में है क्या क्या। तो ये रहा हमारा नेट का डोर जाली वाला, और उसके अंदर है मेन डोर। तो ये है मेन डोर, तो इस पर भी जो है कार्विंग की गई है, पूरी कार्विंग है ऊपर से नीचे तक। तो ये है हमारा लिविंग रूम, काफ़ी बड़ा हॉल है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा लिविंग रूम है। तो यहाँ के फ्लोरिंग और सीलिंग दोनों जो है वुडन वर्क है, फ्लोरिंग में भी वुड का यूज़ किया गया है। फ्लोरिंग की वुड जो है वो दियार की, और साथ में वॉलनट यानी कि अखरोट की लकड़ी यूज़ की गई है। अखरोट की लकड़ी जो होती है वो काफ़ी टाइम तक चलती है और ख़राब नहीं होती, तो इसलिए उसका यूज़ किया गया है। साथ ही ऊपर सीलिंग में भी बीच बीच में जो आपको डार्क ब्राउन कलर की लकड़ी दिख रही है वो अखरोट की है, और जो लाइट कलर की है वो दियार की लकड़ी है। तो ये जो कार्विंग है ये भी सारी हैंड कार्विंग की गई है।
तो आपको ये वाली वॉल दिखाती हूँ मैं। इस वॉल पे भी स्टोन का सारा यूज़ किया गया है। ये वाले स्टोन्स जो है ये रिवर स्टोन्स हैं, मतलब गोल वाले जो स्टोन होते हैं उनको काट के चीजन करके उनको लगाए गए। और साथ में यहाँ पे भी वुडन पैनलिंग की गई है। ये जो वुडन पैनलिंग होती है ये भी हमारा जो हिमालयन कल्चर है, ट्रेडिशनल जो हाउस बनाने का स्टाइल है उसका एक ट्रेडमार्क है, मतलब हम घर में ये चीज़ रखते हैं। तो जिस सेटीज में मैं बैठी हूँ ये भी खुद बनाई गई है, हैंडमेड है, और इसमें भी वुडन कार्विंग की गई है। मतलब ये साइड से ये सारी जो है वुडन कार्विंग की गई है। जो ये सोफा है अखरोट की लकड़ी का बनाया गया है और इसके साइड में भी जो है कार्विंग की गई है। तो यहाँ बीच में जो है काफ़ी पिलर्स भी हैं, बीम्स भी हैं। तो ये पिलर पे जो ये स्टोन यूज़ किया गया है और इसके ऊपर जो है ये भी सारा वुडन पे कार्विंग की गई। बीम पे जो है आर्च बनाए गए हैं, ये सारे जो है कार्विंग करके ही बनाए गए हैं। तो ये है हमारा डाइनिंग एरिया, ये भी सारा वुडन वर्क है। वुडन वर्क ये टेबल भी जो है ये वुड का बना है, इसके ऊपर ग्लास रखा है। तो दिखाते हैं अब आपको किचन। ये है हमारा किचन, ट्रेडिशनल कम मॉडर्न किचन है। यहाँ पे इस तरफ आप देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये फायर प्लेस है। ट्रेडिशनली हमारे किचन में एक फायर प्लेस, यानी कि पहले के ज़माने में चूल्हा होता था, तो अब मॉडर्न कम ट्रेडिशनल मिक्स कर दिया गया है। तो वो अब ये जो है चूल्हा कम फायर प्लेस, और उसको और ट्रेडिशनल मिक्स कर दिया गया है, उसमें हमने डाल दिया है ये तंदूर। और ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एरिया, हमारे घर का एक मेम्बर बहुत ज़्यादा कुकिंग करता है, मतलब अमूल्या सिंह जो सबसे छोटी सी सिस्टर है, तो उसे बेकिंग बहुत पसंद है, तो उसके लिए स्पेशली ओवन लगाया गया है। तो ये हमारे लिविंग रूम का एक स्टेयर केस का नीचे का एरिया है। यहाँ पे भी स्टेयर केस के जो रेलिंग्स है उसमें भी पूरी वुडन वर्क किया गया है। उसके नीचे का एरिया को हमने यूटिलाइज किया है, वहाँ पे ड्रॉर्स लगाए गए हैं ताकि सामान को हम रख सकें। तो अब आपको ले चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर में। साथ में आपको बताती हूँ कि ये जो स्टेयर केस है इसके ये भी वुडन वर्क पे है। तो इसके ऊपर जो है ये पूरी अखरोट की लकड़ी लगाई गई है। ये दीवार में पूरी वही है स्टोन वर्क। तो ये है हमारा मंदिर। यहाँ से स्टेयर केस से हम जाइए मंदिर की तरफ। मंदिर में भी जो ये मंदिर का टेंपल बनाया गया है ये भी वही हैंड कार्विंग से बनाया गया है और हैंडमेड ही है। तो अब हमारे साथ एक और मेंबर ऐड हो चुका है, शिवोहम ठाकुर। ये भी दिखाएंगे हम आपको कि ऊपर वाला फ्लोर कैसा दिखता है। तो स्टार्ट करते हैं पेंटिंग से। ये पेंटिंग जो है ये मैंने बनाई है। ये इसकी फ्रेम वर्क जो है ये पहले से डिज़ाइन की गई थी कि यहाँ पे पेंटिंग आएगी, तो ये फ्रेम भी उसी हिसाब से बनाई थी। ये सेकेंड पेंटिंग अमूल्या ने बनाई है, डे एंड नाइट के कॉन्सेप्ट के साथ। ट्रैकिंग के लिए गए हैं माउंटेन्स में। तो ये है थर्ड पेंटिंग, ये भी मैंने बनाई है। तो ये कॉन्सेप्ट है हम तीनों सिस्टर का, हम तीन सिस्टर्स हैं। साथ में अब हमने इसको भी ऐड कर दिया है यहाँ पे। ये तो बहुत एंजॉय कर रहा है। नो। तो आप चलते हैं इस तरफ। इस तरफ है गेस्ट रूम, मेहमानों के लिए रखा गया है, और इस तरफ है हमारा स्टडी एरिया, स्टडी कम लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं, क्योंकि हम सभी पूरे घर वाले बुक्स के शौकीन हैं, तो एक लाइब्रेरी तो घर में बनती है भाई। तो अपने रूम की तरफ जाते हुए जो वॉल आती है उसमें हमने थोड़ी सी अपनी मेमोरीज जो है उन्हें फ्रेम किया है। इसमें कुछ एडिशंस करनी है अभी। हेलो माउंटेन फैमिली, ये है मेरा रूम, और मेरे रूम में एक स्पेशल चीज है, वो है ये शिवोहम ठाकुर जो पूरा बेड घेर के बैठा हुआ है। ये इसका भी रूम है, तो हम दोनों शेयर करते हैं रूम, है ना। इस रूम में भी पूरा का पूरा वुड का वर्क हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वुडन अलमीराज है, वुडन फ्लोर, और वुड की ऊपर सीलिंग भी है, और यहाँ पे है द वॉल जो कि हमने खुद डिजाइन की है और इसमें फोटोज वगैरह भी फ्रेम करके लगाई गई है। और यहाँ पे कुछ कोटेशंस लगाए गए हैं, उनमें से दो जो है वो खुद मैंने पेंट किए हैं। रूम में एक सबसे स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे एटिक भी है, तो मैं आपको अपने एटिक में लेके चलती हूँ।
ये है मेरा एटिक। यहाँ पे ये हमारे पुरानी, बहुत पुरानी अलमीरा है, वो यहाँ पे रखी हुई है। इसमें बहुत सारी बुक्स स्टोर की गई है, पता नहीं कौन कौन सी सदी की। और ये है मेरा सबसे फेवरेट एरिया, यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। और जब भी मुझे इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है तो मैं इस एरिया में आ जाती हूँ। यहाँ पे हमने अपना पूरा का पूरा आर्ट वर्क रखा है, यहाँ पे सारे कलर्स, पेंटिंग, मतलब ये एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप अपनी इंस्पिरेशन, अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। और उसी के साथ एक ये बुक है, अ वॉयज थ्रू द इकोस, ये हमारी प्यारी प्रकृति दीदी जी ने लिखी है। अगर आपको भी ये खरीदनी है तो आप Amazon से खरीद सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है कि कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। इसे ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत ही अच्छी, स्पेशली जो ट्रैवल लवर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी बुक है। अब हम मेरे एटिक से जाएंगे डायरेक्ट अमूल्या के एटिक पे, तो उसके लिए ये हमारा डोर है, और यहाँ से एंटर करते ही हम अमूल्या के एटिक और उसके रूम में पहुँच जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय रूम। तो देख सकते हैं आप, ये भी एक एटिक है। आइए ये देखिए, थोड़ी सी वॉल डेकोरेट की है मैंने, तो ये इलस्ट्रेशंस मैंने खुद बनाए हैं, बाकी ये आप देख सकते हैं इसमें हैप्पी थॉट्स दिए हुए हैं मैंने थोड़े थोड़े से। तो ये मेरा छोटा सा रीडिंग एरिया है, यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ मेनली। मेरा सारा रूम मैंने अपने आर्ट वर्क से सजाया है, ये मेरे खुद से बनाए हुए इलस्ट्रेशंस के प्रिंट आउट्स हैं, आप देख सकते हैं। और बाकी के इलस्ट्रेशंस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मेरा पेज एमिलू। ये मेरा स्टडी टेबल है और शिवो हम यहाँ बैठ के शरारत कर रहे हैं। तो ये दो रूम्स को जोड़ते हुए एक बालकनी है, बहुत ही प्यारी सन फेसिंग है। तो अब लेके आती हूँ आपको हमारे लाइब्रेरी यानी कि स्टडी एरिया में। तो यहाँ पे पूरी बुक्स की कलेक्शन रखी गई है, ये कुछ पापा की बुक्स हैं, मम्मा की बुक्स हैं, मेरी है, अनुभूति अमूल्या की है, मिक्स है सबकी। और इसमें आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ, इसमें है मेरी बुक, यानी कि मैंने खुद से लिखी हुई मेरी एक ट्रैवलॉग है। तो ये बुक मैंने लिखी थी 2018 में, तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं Amazon से, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। और एक और स्पेशल चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये बुकमार्क्स जो आप देख रहे हैं, ये जो है हमारा, हम तीनों सिस्टर्स का वेंचर है प्राणमूल्या आर्टवर्क का। तो हम जो है बुकमार्क्स, आर्टवर्क, कैलेंडर्स, स्टिकर्स वगैरह सब बनाते हैं। आप इंस्टाग्राम में हमको फॉलो भी कर सकते हैं और ये बुकमार्क्स को जो है आप परचेज भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा लाइब्रेरी का मतलब रिलैक्सिंग एरिया, यहाँ फायर प्लेस भी है, जब हमें थोड़ी ठंड लगे तो हम यहाँ आके रिलैक्स करते हैं, पढ़ते हैं, गपशप मारते हैं इकट्ठे होके। तो ये है हमारा ट्रेडिशनली कथकुनी का एक मिनिएचर आर्ट पीस, तो ये एक्चुअली गिफ्टेड है पर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही डिटेल्ड वर्क है, आप देख सकते हैं इसमें। तो एक्चुअल में जो हमारे ट्रेडिशनल पहले से चलते आ रहे घर जो होते थे वो इसी डिज़ाइन के होते थे। तो इसमें क्या होता था, नीचे जो है ये लंबा सा एरिया जो है ये रखा जाता है, था गाय के लिए, मवेशी जो होते थे उनको रखने के लिए। और उसके ऊपर ये जो होता था, ये रेजिडेंशियल एरिया होते थे दोनों, दो फ्लोर्स। ये नीचे वाला फ्लोर खाली इसलिए भी छोड़ा जाता था और इसमें जानवर इसलिए भी रखे जाते थे ताकि जो है वहाँ उनकी जो हीट है, गर्मी है, उससे ऊपर वाले फ्लोर्स गर्म हो जाए, और ऊपर वाले फ्लोर्स में रहते थे। और सबसे जो टॉप फ्लोर होता था उसमें वो पूजा का एरिया, ट्रेडिशनली हम टाला भी बोलते थे। तो यहाँ से ऊपर जो है वो एक लास्ट फ्लोर है, थर्ड फ्लोर, वहाँ सिर्फ एक रूम है, वो मेरा रूम है, बट कम्प्लीट होने से पहले मेरी शादी हो गई थी तो वो रूम एक्चुअली ऐसे ही है एम्प्टी, वो हमारे गेस्ट के लिए हमने रखा है कि अगर ज़्यादा गेस्ट होते हैं फंक्शंस वगैरह तो उसको यूटिलाइज किया जाता है उस टाइम पे। तो अब लास्टली हम चलते हैं बालकनी की ओर, और बालकनी में ही हम वीडियो को एंड करेंगे। तो ये है हमारी बालकनी का एरिया, बालकनी से सारा व्यू दिखता है, पूरा फार्म दिखाई देता है, और नीचे आपको फोर लेन का एरिया दिखेगा। इस तरफ आपको दिख रहा होगा गाय के, जो हम खुड़ बोलते हैं इसे,
और हमारे मंडियाली में इसको गुआनी बोलते हैं। और वहाँ सामने आपको भुंतर का एयरपोर्ट दिखेगा, इस तरफ फोर लेन दिख रही होगी और ये सारा व्यू देखिए आप, व्यू बहुत सुंदर है यहाँ से। तो आजकल थोड़ा सा हल्का सा स्मोकी दिख रहा होगा आपको, तो ये विंटर्स में चलता है इतना सा, क्योंकि सब इस टाइम पे आग जला के बैठे होते हैं तो ये इतना सा धुआं होता है। तो फ्रेंड्स, अब फाइनली कैमरामैन भी वापस आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा सीरियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगा और बहुत सारे रीटेक हुए, तो काफ़ी हंसी भी आई बीच में जो डायलॉग्स बोले गए। तो चलो, तो ज़रूर बताना यार कैसा लगा आपको ये होम टूर और सारा प्रकृति ने समझा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, घर पसंद आया, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर कोई घर बनाने की सोच रहा है या जैसे घर देखना पसंद है, तो उनको शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको मिलते रहें लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। और ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे, ऐसे ही पहाड़ी कल्चर और जो हमारा हिमालयन ट्रेडिशन है उसको आपको दिखाएंगे, और साथ में अपनी फैमिली को भी कभी कभी हम बीच में दिखाया करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को बोलते हैं यार शिवोहम को दिखाया करो, तो शिवोहम भी ला दिया हमने बीच में, तो अभी धीरे धीरे ये भी बड़ा हो रहा है और इसके साथ इसका पापा भी बड़ा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सबको बाय बाय।